जय जगन्नाथ। आज 25वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आज और कल हम उड़ीसा में होंगे। आज सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत एक ऐतिहासिक शहर से हुई, जो शहर हमारे देश के आर्थिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है और जहां 1950 के दशक में एक पहला मील पत्थर हमारे देश के उद्योगीकरण का रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रुड़केला दुनिया भर में मशहूर है। रुड़केला को हमें तब के पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली, और जब हम भारत की उद्योगीकरण की बात करते हैं, भिलाई, रुड़केला, बोकारो, हीराकुद, भाकरा नंगल, दुर्गापुर, ये सब मील पत्थर है। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने हमारे देश को बनाया। इस्पात के कारखाने लगाए गए, फर्टिलाइजर के फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े बांध, हीराकुद जैसे बांध बनाए गए, तेल की रिफाइनरियां लगाई गई, बाद में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, मिसाल के तौर से नालको जो उड़ीसा की शान है वो भी बनाया गया, तालचेर जैसे जगहों में एनटीपीसी के पावर प्लांट लगाए गए, और आज ये सब खतरे में है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति एक ही है, सबको बेच डालो। कांग्रेस ने देश बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में लगे हुए हैं, और किसको बेच रहे हैं? एक या दो चुने हुए दोस्त पूंजीपति, सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे इस्पात के फैक्ट्री, सारे रेल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर प्रधानमंत्री लौट आएंगे तीसरी बार, रुड़केला को भी बेचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, नालको भी को भी बेचा जाएगा। और इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, पी और डी, बस बीजे कॉमन है, एक में पी है, एक में डी है, एक्चुअली एक में डबल पी है, पी एंड पी। आप जानते हैं वो दो पी कौन है जो उड़ीसा चला रहे हैं आज, जिसके नाम पर एक पी चला रहे हैं दूसरे पी के बारे में। बीजेपी को बीजेडी पूरा समर्थन देती है, दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। जब भी मैं जाता हूं बीजेडी से बात करने के लिए, वो कहते हैं हाथ जोड़कर, माफ कीजिए, हमें भुवनेश्वर से आदेश आया है, हमें मोदी जी का समर्थन करना है। किसी के बिल में, किसी भी चर्चा में कभी बीजेडी ने कोई आलोचना नहीं की है मोदी सरकार की। तो बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा। यहां शैडो बॉक्सिंग होता है, दिखावा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा